ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसे जूम करो, दिख रहा है, यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं भाई, ऊपर चल रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को। इसको आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद बॉडी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, हमारे चैनल KTUP60 में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। अभी मैंने दो दिन पहले वीडियो पोस्ट किया था, तो उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, तो उसमें मैंने ये दिखाए थे टिक से बचने का मैंने उपाय बस बताया था, तो काफ़ी भाई जन का कमेंट आया था कि बस फालतू बात कर रहे हो, तो बस मैंने उसमें टिक्स बताया था, लेकिन मेजर में भी टिक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो मतलब गर्मी में लगता है भाई, टिक्स जो है केवल गर्मी में लगता है, और मेजर में लगना स्टार्ट हो गया है, और इसका प्योर सॉल्यूशन अब तक नहीं मिला है, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आपके डॉग में टिक्स लगा है, ऑन द स्पॉट उसको मारना चाहते हैं, मतलब जितने लगे सारे मर जाएंगे, तो उसके उपाय है, तो मैं पहले आप लोगों को उसको दिखाता हूँ, उसके शरीर में टिक्स लगना स्टार्ट हो गया, मतलब अठई, मतलब इंग्लिश में टिक्स बोलते हैं, और हम लोग साइड उसको अठई बोलते हैं, जो गाय भैंस ऐसे जानवर मतलब खून पीने वाले कीड़े होते हैं वो लगते हैं, तो काफ़ी पॉइंट मतलब मेजर 10 दिन से परेशान है, अपने बॉडी को खुजली कर रहा है। अभी देखो उसको बुलाते हैं, फिर आप लोगों को टिक्स दिखाते हैं, मतलब पूरा वीडियो में दिखाऊंगा, सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा उसका कि कैसे उसको नहलाना है, क्या करना है, फिर वो उसको टिक्स उसके शरीर से निकल भी जाएंगे, सारे मर जाएंगे, तो पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं। मेजर इधर आ, हम आप लोगों के शरीर में टिक्स दिखाते भी हैं, ठीक है। मेजर में लगने स्टार्ट हो गए हैं, अभी तो इतने बाल हैं तो पता नहीं चलता है, अभी पास में आओ फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, प्रूफ के साथ दिखाएंगे। भाई आप लोग कमेंट किए थे ना कि बस फालतू बात कर रहा है, इसलिए हम सोचे अभी हम जा रहे हैं इसको नहलाने, तो जो हम यूज़ करते हैं ना वही हम आप लोग को दिखाएंगे, अभी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ना तो दिख जाएंगे आप लोगों को। रोक, देखिए अभी हम आप लोग को निकाल के दिखाते हैं, एक ज़्यादा होंगे देखो, ठीक है, दिख रहा है ना, आप लोग निकाल के भी दिखाते हैं, ये इतना तेजी से लगते हैं ना भाई कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कितनी स्पीड से बढ़ते हैं ये सब, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, देख रहे हो ना, ये आप लोग को दिख गया है कि मेजर के अंदर टिक्स लग रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग सामने मैंने दिखा दिया, अब इसको नहलाएंगे और कैसे नहलाएंगे, क्या चीज़ लगाएंगे और दिखाएंगे जो हम यूज करते हैं, और ये देखो अभी बॉडी कैसे खुजला रहा है, परेशान हो रहा है, 10 दिन से मत तकरीबन यही कर रहा है, तो इसको दिखाएंगे, अभी नहलाएंगे इसको, प्लस इसके मतलब वो दवा लगाने से सारे के सारे मर जाते हैं, प्लस बॉडी को छोड़ देते हैं, ये ऑन द स्पॉट मतलब अगर तुरंत आपको लगाने बहुत ज़्यादा हो गए हैं लगाना है, तो ये सबसे अच्छा दवा है बुटेक्स, अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं, तो पहले इसको नहलाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, हम आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये दवा कितना काम करता है कितना काम नहीं करता, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नहलाते हैं, पहले चिपका निकाल ले, अब इसको नहलाएंगे, अभी आप लोगों को दिखाएंगे इसके शरीर में कितने टिक्स और कितने निकलते हैं, ठीक है। नहला के धूप में बांध देंगे, चला जाए, मेजर के नहाने का जगह यही है, ये लग गया, अब मेजर को टूल चालू करेंगे, टूल चालू कर दिया, करो ऐसा, अब होगा टूल चालू, और इसको नहलाएंगे, और हम आप लोगों को ये देखो, ये दवा का नाम देखो, बुटेक्स, ठीक है, ध्यान से देख लो, इसी दवा से नहलाया जाता है भाई, सारे सारे जितने भी टिक हैं सारे के सारे मर जाएंगे, मतलब इसको नहलाएंगे धूप में रख देंगे इसको ना, कभी कैसे लगाना है कैसे नहीं करना दिखा देंगे भाई, एक टाइप का बहुत बड़ा जहर है आपको, मतलब नॉर्मल आप जाओगे मेडिकल से लेने तो आप लोग को नहीं मिलेगा, ये मेडिकल वाला आप लोग को नहीं देगा, उसका रीज़न है बच्चे बच्चों को नहीं देता है, मतलब आदमी जाएगा तभी मिलता है, क्योंकि ये एक प्रकार का जहर भी है, पहले साइड में करते हैं, पहले इसको नहला लें, ठीक
ये रहा साबुन, डी वॉर साबुन। अगर नॉर्मली एक आधा है तो इससे भी छूट जाते हैं, मतलब कोई अदर फंगस वगैरह नहीं लगाता है, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होता। यही तुम्हारा भाई लगाता है डी वॉर साबुन, ये आपको मेडिकल में मिल जाएगा, 115 रुपये का मिलता है, ठीक है। इसको मैंने मेजर को लगा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अभी यही लगाएंगे, फिर इसके बाद लगाएंगे वो चीज। पहले बाल्टी में पानी दे लें, साबुन से नहला लें। अभी हम आप लोगों ना पास से आउट दिखा देते हैं, ठीक। इसमें ये तारी दिखेगा, रुक जाओ, देखो ऐसे जूम करो, दिख रहा है? यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं, देखो निकाल के दिखाता हूँ, देखो दो तीन है यहीं पे, ठीक है, लगने स्टार्ट हो गए। तो अभी हम आप लोग को लाइव दिखाएंगे इसको साबुन लगाने के बाद, फिर हम वो दवा लगाएंगे, फिर आप लोग दिखाएंगे देखिए कैसे शरीर से छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट करो, आप लोग कमेंट क्यों देखिए अर्जित भाई झूठ बोल रहा है, इसमें हम आप लोग को लाइव दिखाएंगे असर कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने इसको साबुन लगा के ओके कर दिया, ठीक है, साबुन लगा दिया। और पास में आ जाओ, आप लोग को दिखाते हैं टिक इसको लगा है कितना लगा है, ठीक है। ये तो आप लोग फिर बोलोगे कि ये सही नहीं है, ठीक है, ऐसे भींगा हुआ बॉडी ना तो साफ दिख जाएगा, समझ में आया। तो मैं निकाल के नहीं दिखाता, नहीं तो फिर आप लोग हाथ से निकाल देंगे तो फिर ये दवा लगाने के बाद निकल रहा है कि नहीं आप लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है, ठीक, और दिखाते हैं, टच करने को समझ में आ जाता है, देखो एक यहाँ पे दिखा आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे देखो हाथ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब दवा लगा के दिखाएंगे कि मतलब ये इसके बॉडी से निकलते हैं या फिर नहीं निकलते, ठीक है। एमी टुलू चालू कर दो, अभी शैम्पू इसका साबुन मैंने बस लगाया है डी वॉर्म, ठीक है, और अब लगाएंगे बूटेक्स जो दवा मैंने दिखाया है। एमी टुलू चालू कर दो, अब टुलू चालू करके पहले इसको नहलाएंगे फिर लगाएंगे बूटेक्स इसके, ठीक है। और याद रहे बूटेक्स मुंह में ना आ जाए, मतलब हल्का फुल्का जाएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक टाइप का जहर ही होता है जिससे जल्दी आपको मेडिकल में कोई भी आपको नहीं देगा। चला जाए 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 भाई तो नहा लिया ये, ठीक है। एमी बंद कर दो, अब लगाएंगे बूटेक्स। अब लगाएंगे बूटेक, अब आओ फिर देखो बूटेक कैसे लगता है। इतना नॉर्मल पानी, ठीक है, पानी देखो, ये रहा मग्गा, पानी और कम। अब ये लगाएंगे भैया इसमें बूटेक, और याद रहे इसको लगाने के बाद आप लोग हाथ अपना
अच्छे से धुल लेना, क्योंकि सही में ये एक प्रकार का जहर है, ट्राई मत करना, क्योंकि भाई जहर होता है, निपट जाओगे लोग। देखो कैसा ये पानी सहा इसमें, और इसमें डालेंगे तो इसका रिएक्शन देखना कैसा हो जाएगा। सारा डाल देते हैं, देखो पानी, देखो अभी पानी पूरा वाइट हो जाएगा। ये ठीक है, सीसी खाली। इसकी MRP है 55 रुपये MRP है भाई। बूटेक्स बोलते हैं, कहीं भी जाओगे जहाँ गाय भैंस का दवा मिलता है नहलाने के लिए मिल जाएगा। अब इससे इसको नहलाएंगे और इसको मेजर को छत पे बांध देंगे, धूप में, थोड़ा धूप लगेगा तो सारे खुद बखुद निकल जाती है। ये लगाने का फायदा ये है ना कि 24 घंटे में सारे छोड़ देंगे, मर जाते हैं निकल, तो फटाफट इसको लगाते हैं मेजर के ऊपर। सबसे ज्यादा इसके लगते हैं ना भाई, अगर ठीक देखोगे सबसे ज्यादा यहाँ पे लगते हैं, इसके शोल्डर पर लगते हैं, और ये पीछे सबसे ज्यादा इसी पार्ट्स पे लगते हैं वो सब। इसके अलावा कहीं भी लगते हैं ना तो मेजर के दांत पहुंच जाता है, मुंह पहुंच जाता है, तो साफ कर लेता है, तो उधर बहुत कम लगते हैं। इसको आराम से लगाना है और अच्छे से लगाना है, ठीक है। भाई जब इसका इंजेक्शन भी आता है, अगर टीक लग रहे हैं आपके में तो इसका इंजेक्शन, नाश दिया भाई, दवाई लगाओ। इसका इंजेक्शन भी आता है, लेकिन इंजेक्शन आप लोग मत लगवाना भाई, इंजेक्शन लगवाने का कोई भी मतलब, देखो निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे निकल जाएंगे इससे ऑन द स्पॉट। अगर चाहते हो तुरंत सारे निकल जाए तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं भाई, तुरंत से तुरंत सारे निकल जाएंगे। तो जर्मन शेफर्ड रखने पे यही प्रॉब्लम है भाई, अदर डॉग रखोगे ना तो उसमें लगते हैं तो दिख जाते हैं, पर ये डबल कोट में, लॉन्ग कोट में जल्दी दिखते नहीं है, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये लग गया ना, इसको लेकर चलेंगे छत पे, छत पर बांध देंगे, भाई नहाता है, नहाता है तभी कोई जगह खोजता सही पहुंचने के लिए, बट रखेंगे नहीं, यहाँ पे साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने सारा सिस्टम करके रख दिया है, अब थोड़ी देर में इसके सही से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो सिस्टर आएगी कैमरा ऑन करके दिखा देगी। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप लोग कमेंट किए थे कि बस फालतू बात कर रहा है, तो मैं इसीलिए मैं जो दवा बताया तो वो आप लोग को लाइव दिखाऊंगा निकल रहा है कि नहीं। और ये लगाने का एक फायदा है कि भाई कितने भी सारे पकड़े रहेंगे तो ऑन द स्पॉट 24 घंटे के अंदर सारे छोड़ देंगे, सारे के सारे मर जाते हैं। ये बूटेक्स लगाने के फायदे हैं कि सारे के सारे मर जाते हैं, गाय भैंस में भी लगते हैं तो मर जाते हैं, जबकि इंसानों के बाल में वो बोलते हैं ना जो छोटे छोटे कीड़े पड़े रहते हैं जू, वो भी जू भी लगते हैं, तो बूटेक्स लगाएंगे सारे के सारे मर जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक रीज़न ये कि पहले इंजेक्शन भी लगता था, कि मतलब अगर आप कैनल पे जाते हो संपर्क करो तो लोग बोलेंगे इंजेक्शन लगवा लो, कुछ नहीं करो, तो इंजेक्शन लगाओगे ना तो तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन बस 3 से 4 दिन काम करता है। लोग बोलते हैं कि 3 महीने के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे, 3 महीने तक एकदम नहीं लगेगा, लेकिन हम सारा चीज़ लगा के देख चुके हैं, इंजेक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं है। और एक मलहम आता है जो कि इसकी रीढ़ की हड्डी पर लगाना रहता है, मतलब रीढ़ की हड्डी पर ही सबसे ज़्यादा लगते हैं, तो रीढ़ की हड्डी पर लगाना रहता है, लोग बोलते हैं कि वो भी लगाने से नहीं लगते हैं, लेकिन वो भी मैंने चेक कर लिया है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। इंजेक्शन भी यूज़ कर लिया, इंजेक्शन का भी कोई मतलब नहीं है, मतलब अब तक जो मैंने सारी चीज़ें यूज़ किया ना तो बूटेक्स अच्छा अभी हमको कुछ नहीं मिला है, तो बूटेक्स सबसे बेस्ट है। अभी आप लोगों को दिखा देते हैं इसे बॉडी पे, कोई बाल इसको देखें, सारा निकाल के दिखाएंगे। ऐ मेजर रुक, देखो आपको ये छोटे 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 दाग दिख रहे होंगे, लगना स्टार्ट हो गया, गर्मी स्टार्ट हो गया ना, तो किसी के पास भी जर्मन शेफर्ड होगा ना तो भाई तो लगना स्टार्ट हो गया होगा। और देखो आप लोगों को अभी बड़े बड़े थे, देखो ये देखो ये लगे हैं, हम आप लोगों को नोच नहीं निकाल इसलिए नहीं रहे ना कि हम आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि ये इसके शरीर से निकल रहे हैं या नहीं, ठीक है।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर है छोटा सा, और चेक करोगे मतलब लगने स्टार्ट हो गए। गर्मी गर्मी में ही लगता है भाई, ठंडी में नहीं लगता है। ठंडी मेजर में एक भी ये सब नहीं था, पूरे ठंडी एक भी पीस नहीं था। और जबकि मैं मेजर को ज़्यादा बाहर भी लेकर के नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो इतना ही सब है भाई, अभी गले पे भी होगा इसके। देखो एक दो, देखो इधर से देखो, ठीक है। देखो क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है, छोटे 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 आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ये हम सारे आप लोगों को निकाल के दिखाएंगे, आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, सारा यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सारे के सारे मर जाते हैं। और अगर बाई चांस कोई शरीर से नहीं निकलता है, जैसे होता है ना कि नहीं शरीर से नहीं निकला उसी में पड़ा हुआ है, तो एक आध दिन बाद देखना है उसी में सूख जाता है, मतलब जो शरीर नहीं छोड़ा है उसी में मर जाता है, ये चीज़ लिख ले। तो इससे अच्छा ऑन द स्पॉट खाली करने के बाद, ऑन द स्पॉट टिक को हटाने के लिए, इससे अच्छा अब तक हमको कोई ऑप्शन नहीं मिला है। मैंने इंजेक्शन में लगा दिया, एक रेड गड्डी पर लगाने वाला मलम आता है वो भी लगा लिया, एक और है टैबलेट जो मैंने फ्रेंड से पूछा है तो बोला है कि एक टैबलेट है जिसको लगाने पे एक सीजन उसके में नहीं लगेगा, तो वो अदर डॉग को खिलाया है, जर्मन शेफर्ड को नहीं खिलाया है। मतलब अदर डॉग नहीं है ना, इतना छोटा सा भी लगेगा ना तो उसको ऊपर ही दिख जाएगा, तो कोई हाथ फेरेगा तो सीधा चुप जाता है, मतलब समझ जाएगा कि वहाँ पे कुछ है, तो लोग नोच के फेंक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जर्मन शेफर्ड में इतने सारे लगते हैं ना, तो मतलब जर्मन शेफर्ड रखने के यही एक साइड इफेक्ट है भाई, मतलब यही प्रॉब्लम आती है जिससे हम परेशान रहते हैं, वो भी बस गर्मी के सीज़न में, उसके अलावा किसी में भी नहीं। तो अब तक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, मैं बुटेक्स लगाता हूँ, सारे के सारे मर जाते हैं, लेकिन फिर हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद फिर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है ना कि आपको अपने जगह को सैनिटाइज करना पड़ता है, एक और लिक्विड आता है जिसको पानी मिला के आप ऐसे छिड़क देंगे ना, तो जहाँ कभी ज़मीन पर वो सब कीड़े होंगे तो मर जाते हैं। तो उसका वीडियो मैं बना के दिखा दूंगा वो कौन सा लिक्विड है क्या है, मैंने फ्रेंड से पूछा है मेडिकल वाला है तो वो बताया कि ये है, तो मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा। अभी तो बुटेक्स साथ दिखा देंगे, तो अभी हम चलते हैं नीचे, शॉप पर जाना है तुम्हारे भाई को, तो अभी थोड़ी देर बाद 10-15-20 मिनट बाद आएंगे ना, तो सारे निकलने स्टार्ट। अभी देख लो ज़मीन एक भी नहीं है, लेकिन हम वो आएंगे थोड़ी देर बाद तो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप लोग को मेरी बातों बिलीव होगा कि भाई बुटेक्स कितना काम करता है कितना काम नहीं करता। इसलिए मैंने आप लोग को ये वीडियो बनाया है, पिछले वीडियो में बस मैंने बताया, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा व्यू मिला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन सही बात है, उसमें एक्सपेरिमेंट करके मैंने नहीं दिखाया, तो आप लोग का कमेंट आया था कि बस झूठ बोल रहे हो, तो इसलिए मैंने मेजर को पता, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, मेजर दस दिन से परेशान था। देखिए देखिए अब इसमें निकलना स्टार्ट होगा, तो आप लोग खुद ब खुद देख लेना ये दवा कितना काम करता है या नहीं करता है। तो सामने दिखा दिए, ठंडी में एक भी नहीं रहता है, और गर्मी में अभी ये स्टार्ट हुआ है, जितने इसके बॉडी में ये अभी स्टार्टअप है, 1000-2000 की मात्रा में चले जाते हैं अगर हफ्ते दो हफ्ते छोड़ देते हैं, ठीक है। दिखाएंगे अभी आप लोगों को कीड़े निकल के जैसे निकल रहे हैं, टिक निकल रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा अगर कोई ऑप्शन मिलता है, मतलब मेरा फ्रेंड भी डॉग रखा है जर्मन शेफर्ड, वो भी परेशान है, तो हम लोग बोले कि अगर इससे भी कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, ज़रूर वो वीडियो शेयर करेंगे, वो बताएंगे क्या चीज़ है जो इससे भी अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी देर बाद आते हैं, हमको भी नहाना है भाई, एक चीज़ याद रखना है कि अगर बुटेक्स लगाते हो तो खुद भी नहा लेना अच्छे से, साबुन अगर हाथ वगैरह अच्छे से धुल लेना, क्योंकि ये एक प्रकार का जहर है, ठीक है। भाई साहब तकरीबन अभी हुए हैं 20-25 मिनट, ठीक है, तुम्हारा भाई नहा लिया, खाना खा लिया, ठीक है, अब शॉप पे निकलना है, तो अभी हम दिखाते हैं निकले हैं कि नहीं निकले, ठीक है। इतने में निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़े क्वांटिटी में, इसलिए अभी ज़्यादा नहीं निकला है, तो हो सके तो हम चले जाएंगे शॉप पे, तो हो सके तो सिस्टर दिखा देगी अगर निकलेगा तो, अभी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। निकले होंगे, शरीर छोड़ने लगते हैं, ठीक है, बैठ जाने तो फिर भागने लगेगा, ठीक है। देखो ऊपर चल रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को, इसको आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद बॉडी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम और आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे देख लो ये निकल रहा है ना, जैसे देखो ये चल रहा है ना, बॉडी छोड़, वरना इसके पहले सब बॉडी पकड़े हुए थे इसके, हम और भी आप लोगों को दिखाते होंगे, सब ऐसे ही बॉडी छोड़ दिए होंगे, अभी देखो ये अभी पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे देखोगे ना खुद शरीर पे चलते हुए दिखेंगे, मतलब पकड़े हुए नहीं रहेंगे, देखो यहाँ पे चल रहा है, दिखा रहे आप लोगों को, देखो ये चल रहा है ना यहाँ पे, ओह सॉरी, देखो देख रहे हो यहाँ पे चल रहा है,
पकड़ा हुआ नहीं है, देख सकते। ये रहा, चल रहा है, बट टेंशन कोई दिक्कत नहीं, ये सारे निकल जाएंगे, मर जाएंगे खुद ब खुद, सब देखोगे ना वैसे चलते हुए मिलेंगे। अगर बॉडी में पकड़े भी रहेगा ना, देखो एक ये यहाँ पे चल रहा है, अभी देखो ये मोटा वाला सांड अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे पानी ठंडा है ना, मतलब यहाँ पे अभी नमी, अभी देखो यहाँ पे ठंडे हैं बारिश के, अभी मतलब धूप अभी लग रहा है, वही धूप लगेगा जब गर्मी होगी ना तो ये सारे के सारे छोड़ देंगे। ठीक है, इसको पकड़ के निकाल देते हैं। आप छोटी छोटी क्वांटिटी देखे हैं ना, मतलब ऐसे ही बात उसके चलने लगेंगे, सब खुद ब खुद निकल जाएंगे, आप लोग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें है ना, मतलब आप सोचो, देखो एक यहाँ चल रहा है, अगर आप सोचोगे कि ये बड़े बड़े, अगर इसको छोड़ दे ऐसे ही ना तो ये ऐसे इसी में सूख जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अगर ये देखो छोड़ दिया है, ये देखो देख रहे हो, ये कुछ किया भी नहीं, मतलब खुद ब खुद भागने लगते हैं। ठीक है, आप लोग, इसलिए मैंने आप लोगों को प्रूफ दिखा दिया, क्योंकि पिछले वीडियो में दो तीन कमेंट आ गए कि मतलब आप झूठ बोल रहे हो, उन लोग के मैसेज से ये लग रहा था ना कि मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बस ठीक है, उनका एक बात सही था, उन लोगों को प्रूफ नहीं किया था, मतलब सामने दिखाया नहीं था, बस मैंने दवा का नाम बताया था, तो वो है भाई बोटेक्स है। बोटेक्स लगाने के बाद मतलब एक जो 55 रुपये का बॉटल आता है ना, इतना छोटा जो मैंने दिखाया है, वो बॉटल आपको मतलब दो बार उसमें नहलाना है, मतलब तीन बार चार बार नहीं, दो बार आधा आधा करके, और आधे बाल्टी पानी में नहला को आधे आधे बाल्टी पानी मिला के लगा देना है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया कैसे निकल रहे हैं सब, और वही अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होती ना, मतलब चिपक नहीं रहा, खुद ब खुद बॉडी छोड़ रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है भाई, देखो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप लोगों ने तो देख लिया सीधे उसके ऊपर बॉडी से निकल रहा था, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो आप खुद टेस्ट कर लें, जो मोटे मोटे वाले हैं अगर नहीं छोड़ते हैं तो उसी में सूख जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत नहीं निकल पाते लेकिन उसी में सूख जाते रह जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। मतलब अब तक मैंने इसके लिए, ठीक है, टिक से बचने के लिए मैंने इसको इंजेक्शन दिया है, और एक दवा आता है जो इसके रीढ़ की हड्डी पर लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगते हैं, और इसके गले में पट्टे के पास लगते हैं, इसके अलावा अदर जगह कहीं ज़्यादा नहीं लगेगा, तो सबसे ज़्यादा वहीं पे लगता है, तो जो मलहम आता है पट्टे रीढ़ हड्डी पे लगाना रहता है, तो उससे भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब ऑन द स्पॉट छोड़ने के लिए ठीक है लेकिन उतना असर नहीं करता है, तो मतलब मेरे लिए बोटेक्स सबसे बेस्ट है। मैंने सारा एक चीज़ लगा, आप लोग इंजेक्शन मत लगवाना, इंजेक्शन लगाने कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर बोलेगा कि इंजेक्शन लगवाने पर 3 महीने तक उसमें नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, 1 हफ्ते बाद फिर पकड़ने लगते हैं, तो मैंने हर चीज़ एक्सपेरिमेंट कर लिया, कोई इसका रिजल्ट नहीं है। सबसे बेस्ट है मेरा बोटेक्स, मतलब अब तक जो मैं लगा जितने भी सारे टेस्ट किए हैं, सबसे बेस्ट रहने वाला है बोटेक्स रहने वाला है। ऑन द स्पॉट आप लोग सामने मैंने दिखा दिया कि कैसे इसके शरीर को तुरंत छोड़ने लगे हैं, अभी जैसे जैसे धूप लगेगा ना वैसे वैसे इसके शरीर से सारे छोड़ देंगे वैसे ही, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये कि अगर छोड़ के कहीं चिपकते भी हैं तो वही जो मैंने बोला था, अभी पहले बताया था कि सैनिटाइज करना पड़ेगा आप लोगों को पूरे जगह को, मतलब वो भी आता है लिक्विड, वो लिक्विड मैं बता दूंगा कि कौन सा लिक्विड पानी मिला के पूरे आपको ग्राउंड में छीट देना है, मतलब जहाँ जहाँ भी आपको डाउट होगी, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, वैसे मतलब ग्राउंड पे पूरे छीट देना है, वो जहाँ कहीं भी रहेंगे तो मर जाएंगे, तो वो भी कराएंगे, लेकिन अभी दूसरे वीडियो में दिखा देंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है मेरे पास, तो अभी जस्ट मैं बाल वाल कटा के आया, तो मैं सोचा कि चलो आप लोग मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था, आप लोगों का कमेंट ऐसा आया तो हमको अच्छा नहीं लगा कि मतलब आप लोग मेरी बात को हल्के में ले रहे हो, बिलीव नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेजर में भी लग ही रहे हैं, तो इसलिए हमको नहलाना ही था, तो हम बोले चलो क्यों ना हम वीडियो बना के लगा के दिखा देते हैं। तो आप लोगों के सामने रिजल्ट है भाई, आप लोग तो सामने देख लिए कि कैसे इसकी बॉडी पे छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अभी इसका बाल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे पूरा प्रॉपर सूखेगा, अभी उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है ना, इसलिए अगर भाई ज़्यादा रहते ना तो आप लोग को ज़्यादा भी दिख जाते, ठीक है, सब निकल जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत, मतलब ये नहीं कि नहीं निकलेगा, सब निकल जाएंगे, जैसे जैसे गर्म होगा धूप लगेगा बॉडी इसकी जलेगी, सारे खुद ब खुद निकल जाएंगे। तो ये था भाई, अगर आपके भी डॉग में है तो पहली बात कि उसको बचा के रखो, अदर डॉग से मत मिलाओ, बाहर कम घूमाओ, गर्मी के दिन में सिर्फ प्रॉब्लम ही आने वाली है, तो अगर इससे भी बेस्ट ऑप्शन हमको मिलेगा तो हम बेशक आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अब तक को मैं जितना चीज़ ट्राई कर चुका हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहने वाला है भाई। बोटेक्स लगाते हैं, सारे सारे मर जाते हैं, निकल जाते हैं, मतलब एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा मेजर, तो अब तक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, तो अभी अगर इससे भी अच्छा ऑप्शन कोई मिलेगा हम बेशक आप लोगों के लिए बताएंगे,
आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। तो ये वीडियो देख के आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि अंकित भाई सही बोल रहा है। तो भाई मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ, ठीक है। फालतू की बातें मैं नहीं करता हूँ कि ये कर दो वो कर दो, ठीक है। जो मैं जानता हूँ वही एग्जैक्ट बता रहा हूँ। मैं डॉग रख रहा हूँ वो चीज़ से भुगत रहा हूँ। ये भी मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं इसके में टिक नहीं लगते हैं, मतलब अठई जो है नहीं लगते हैं, झूठ नहीं बोलना है भाई। लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं, केवल गर्मी में लगते हैं, बाकी टाइम में एक भी नहीं लगता। गर्मी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। अभी तो अभी गर्मी स्टार्ट हुआ है ना, आप लोगों को खुद ब खुद दिखा दें कितने क्वांटिटी में लगते हैं। तो ये था भाई, अगर इससे भी अच्छा मिलेगा तो हम आप लोगों को इससे भी अच्छा दिखाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है।